ये होना था, मधु जी बता रही थी, और कार्यक्रम चूंकि नियत समय से पहले हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, अपने खिलाड़ी भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी युवा प्रतिभाओं का ही कमाल है कि आज विश्व पटल पर भारत नए नए इतिहास गढ़ने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फिर से आज दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर अग्रसर है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी मुन्ना भाई साहब ने यहाँ से बताया कि इस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध के समय में दोनों ही देशों के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 4 दिनों का युद्ध विराम किया था, और उस युद्ध विराम में जहाँ भारत के हमारे बेटे बेटियां उस देश से आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित तरीके से बाहर निकल कर आए, वही ऐसे देश जो रात दिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं, अलगाववादियों को भेजते हैं, उन देशों के बच्चों को भी रूस यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत के तिरंगे को अपने कंधे पर लेना पड़ा था। भाइयों बहनों, यह है नया भारत। और इतना ही नहीं, आज G20 के रूप में 20 दुनिया के प्रमुख देश, उन प्रमुख देशों की अध्यक्षता का काम 9 इनवाइटी देशों का, 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नेतृत्व और अध्यक्षता करने का दायित्व तो भी भारत को मिला है। भाइयों, भारत की सरकार को मिला है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और हम सब गौरवशाली, हम सबको गौरव होना चाहिए कि इसके 2 कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमको मिले हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ इस वर्ष को 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है भारत सरकार के आह्वान पर। ये मिलेट वर्ष के रूप में और हमारे यहाँ का जो पारंपरिक रूप से उगाया जाने वाला अनाज है उसको भी भारत और दुनिया के अंदर मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज खेल और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने सामर्थ्य का परिचय करा रहा है। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण एक मुख्य कार्य है, जिस हेतु हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी श्री कलम सिंह चौहान को, जो हमारे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको हम लोगों ने टीम लीडर के रूप में, वह मानस कर्ण की जो झांकी, जो कर्तव्य पथ का ऐतिहासिक परेड थी, उस ऐतिहासिक परेड में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, जो हमने संकल्प लिया है आने वाले समय में कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, भारत जब हमारे उत्तराखंड का 25 साल पूरा होगा, जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय भाइयों बहनों हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विकल्प नहीं, संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भाइयों को उचित प्रोत्साहन मिले, इसका भी प्रावधान हमने नई खेल नीति में किया है। मेरा मानना है, क्योंकि पहले कहते थे लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और भाइयों बहनों अब कहते हैं लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे। अरे भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे आपको, इतने सारे खिलाड़ियों का हम लोग उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। बनोगे स्टार, अरे इस पर तो ताली बजा दीजिए सब लोग खिलाड़ियों के लिए। नाराज है बच्चे। हमने युवा खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आप सभी युवा नए भारत और नए उत्तराखंड की समृद्धशाली न्यू है, आप फाउंडेशन है। हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी नींव को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि इस यमुना श्रद्धोत्सव में प्रतिभाग कर रहे हमारे युवा खिलाड़ी कलाकार भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को युवा साथी, हमारी युवा सरकार के जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड, श्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प रहित उत्तराखंड का जो संकल्प है,
उसे आप पूरा करने में निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे। आज के अवसर पर हमारे मठोर सिंह जी ने, आदरणीय मधु जी ने और आदरणीय मुन्ना भाई साहब ने, पिछली बार भी जब हम बजरी टीला में गए थे तो कुछ घोषणाएं वहां पर करी थी, एक तो छूट गई थी। एक तो इन्होंने कहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी का 2018 में स्वास्थ्य केंद्र के मानकों के लगभग इसका विस्तार किया जाना है, उच्चीकरण किया जाना है। यहाँ पर उच्चीकरण हो गया है लेकिन स्टाफ इत्यादि की कमी है, उस स्टाफ का प्रारूप बनाकर उसको स्वीकृत किया जाएगा और उसके पदों को भरने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ विकासखंड कालसी के अंतर्गत इच्छाड़ी खड़ा स्टोन नदी में नगाया थात पजले टिलानी भिटिया थात भोगा डांडा तक पेयजल योजना इसका निर्माण किया जाएगा। भाई बहनों, विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम धोहा से घंटा तक मोटर मार्ग निर्माण किया जाएगा। विकासखंड कालसी के अंतर्गत कालसी बोराठाई मोटर मार्ग ग्राम खतार व कोपटी तक इसका मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही विकासखंड चक्रकता के अंतर्गत खाटवा मोटर मार्ग के किलोमीटर 3 से कुलाधार पोखरा तक मार्ग का नव निर्माण किया जाएगा। इन सभी को मैं अपनी घोषणा में सम्मिलित करता हूं और आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, और अच्छा होता कि आप सबके साथ पूरी प्रतियोगिता के संपन्न होने तक मैं यहाँ रहता, लेकिन आज हमारी सरकार एक बड़ी योजना उत्तराखंड राज्य को समर्पित कर रही है कि जितने भी हमारे पूरे राज्य के जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,80,000 है, उन सभी को एक साल के अंदर 3 सिलेंडर भर कर दिए जाने की योजना को प्रारंभ कर रही है। उस योजना को मैं पौड़ी से शुरू करने वाला हूं, इसलिए मैं आप सब से बहुत बीच में जाने के लिए खेत प्रकट करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।